हरे मूंग का सुंडल। सुंडल एक साउथ इंडियन डिश है जो बहुत ही पॉपुलरली स्नैक्स में बनाया जाता है। इसे त्योहारों में प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशली पूजा में प्रसाद की तरह चढ़ाया जाता है इसे, खासकर की तमिलनाडु में। ये दालों के साथ और चनों के साथ बनाया जाता है। सिंपल और पौष्टिक रेसिपी है ये। मूंग दाल को संस्कृत में मुद्गा कहा जाता है। मीठे रस का होता है, पचने में हल्का होता है, रूखा होता है, शीतल होता है, हमारे डाइजेस्टिव चैनल्स को साफ करने में मदद करता है और साथ ही साथ पाचन अग्नि को भी बढ़ाता है। वात, पित्त और कफ तीनों के लिए ही बहुत लाभकारी होता है। बुखार, कोलेस्ट्रॉल, जॉन्डिस, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, इन्फ्लेमेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स में मूंग बहुत ही लाभकारी होता है। यहाँ पे मैंने 1 कप पुरानी साबुत हरी मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने भून लिया है 4-5 मिनट के लिए बिना किसी तेल के। भून लेने से कोई भी अनाज पचने में हल्का हो जाता है। फिर इसे अच्छे से धो करके रात भर भिगो लिया और अगले दिन पानी और थोड़े से नमक के साथ उबाल लिया, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए लेकिन एकदम पिघल ना जाए। अब कुछ मसाले अलग कर लिए हैं मैंने, जिसमें है 1/2 छोटी चम्मच राई के दाने, 10-12 करी पत्ते, 1/2 कटोरी धनिया, 1/4 कटोरी ताज़ा घिसा नारियल, 1 छोटी चम्मच कटा अदरक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी और नमक। अब मध्यम आंच पर कढ़ाई में 1 चम्मच नारियल का तेल डाल ली हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने राई भी डाल दिया है और कटी अदरक। करी पत्ते डाल दिए और उसके साथ ही उबली हुई मूंग की दाल भी डाल दी। दाल को मैंने पानी से अलग कर दिया था और पानी को ड्रेन आउट कर दिया। हल्दी और नमक डाल दी। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि मैंने उबालने के टाइम पे भी थोड़ा सा नमक डाला था दाल में। अब इसे अच्छे से पकाना है और मिलाना है जब तक कि ये सूखी कंसिस्टेंसी का होने लगे, पानी उड़ने लगे। अब नारियल डाल दी, कटी धनिया डाल दी और अच्छे से मिला दूंगी। रेसिपी के डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। धीरे धीरे इसका पानी सूखने लगेगा और इस समय में आप नमक देख सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, और ये सुंडल तैयार हो गया है। मूंग दाल हमारी आँखों को, बालों को, आवाज़ को और हमारी त्वचा को सुधारने में बहुत सहायक है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नाश्ते में इसे खाइएगा। कुछ आसान घरेलू आयुर्वेदिक टिप्स मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे @uttamam.sattvam पे, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।